सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन और एनपीएस पर बड़ा अपडेट। क्या नहीं बढ़ेगी 67 लाख पेंशनरों की संख्या? सरकार ने पुरानी पेंशन और एनपीएस में बड़ा अपडेट किया है, लेकिन 67 लाख पेंशनरों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। देश में केंद्रीय और राज्यों की सरकारी कर्मचारी इस मुद्दे के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कई राज्यों में इस मांग को लेकर रैलियां भी हो चुकी हैं। सरकारी कर्मचारी संगठनों की मुख्य मांग है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए। केंद्रीय सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है जो इस मुद्दे पर रिपोर्ट देगी, लेकिन इसमें ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का कोई जिक्र नहीं है। ये कमेटी केवल एनपीएस में सुधार के लिए अपनी राय देगी। इस मुद्दे पर संसद में भी चर्चा हो चुकी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि सरकार के पास पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। साथ ही एनपीएस के तहत पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए में कर्मियों का जमा पैसा राज्य सरकार को नहीं जा सकता। मौजूदा समय में केंद्र सरकार के अंतर्गत 67,95,449 पेंशन भोगी हैं।